बताने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका जी बने हुए हैं। मॉर्निंग मिस्टर खेमका, क्या होंगी आपकी आज की पिक्स? प्रभात, जो मेरा दो मुनाफे का फंडे का जो पिक है वो सबसे पहला है वो ऑटो क्षेत्र में से है। मारुति के नंबर्स हमने देखे बहुत स्ट्रांग आए, तो जो पिक है वो है अशोक लेलैंड। ओवरऑल सीवी रिकवरी हमने काफी बेहतर देखी है। ओवरऑल इंडस्ट्री के वॉल्यूम जो Q2 में 37% से ग्रो किया है, हमें लगता है कि अशोक लेलैंड में भी अच्छी ग्रोथ आएगी। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 80% से ग्रो करेगा, जिसमें 65% तो वॉल्यूम ग्रोथ ही है, और कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिया है, जिसके वजह से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अशोक लेलैंड अपना जो पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी एक्सपैंड कर रहा है, ताकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसे कॉन्सेंट्रेट ना हो, और ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का डेट भी बहुत कम हुआ है। तो ये हमें लगता है कि अगले साइकिल के लिए बहुत ही परफेक्ट स्टॉक रहेगा। अगले 2-3 साल में ग्रोथ काफी रहेगी, तो हमारा टारगेट प्राइस एक साल का 185 है। जो दूसरा स्टॉक है वो है हॉस्पिटल क्षेत्र से, काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिली है। अभी एक नया IPO भी आ रहा है जो मेदांता हॉस्पिटल का, जिसकी वजह से ये क्षेत्र थोड़ा सा फोकस में रहेगा। इसके रिजल्ट्स जो है अपोलो हॉस्पिटल का वो 10 नवंबर को आएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो अगेन अपोलो हॉस्पिटल एक ओमनी चैनल प्रेजेंस कर रहा है अपने बैक एंड फार्मासी, अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फार्मासी रिटेल जो है, उसकी वजह से एक ओवरऑल एक ओमनी चैनल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म कर रहा है। हॉस्पिटल्स में इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, प्रॉफिटेबल है। सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक, प्राइमरी केयर, स्पेशलिटी केयर सेगमेंट्स उसे ओवरऑल बिजनेस को काफी ग्रोथ देता है। तो काफी कैपेक्स कर चुका है, जिसकी वजह से आगे चढ़कर ग्रोथ और नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। एंड जो फार्मासी में ओमनी चैनल बिजनेस बना रहा है, जिसकी वजह से हम उस पर काफी पॉजिटिव है। हमारा एक साल का टारगेट 5110 का रहेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी मुनाफे का फंडा पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दो स्पेसेस हैं, फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक पर लगातार हमने बातचीत की है। ये हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर उन्होंने अपनी राय दी, और साथ ही जहां ऑटो स्पेस लगातार फोकस में है,